वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपेरिमेंटल किचन। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं पटेटो चिप्स। तो यार आपने पैकेज चिप्स तो बहुत खाए होंगे जिसमें चिप्स कम और हवा ज़्यादा होती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हवा खरीदी है और गलती से चिप्स उसके साथ फ्री आ गए हैं। तो यार मैंने सोचा क्यों ना घर पर चिप्स बनाए जाए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि 10 मिनट में सारे चिप्स बन के रेडी भी हो जाते हैं। और यार इससे ज़्यादा टाइम तो छोटा भाई लगा देता है दुकान से चिप्स लाने में। तो चलो चलते हैं द एक्सपेरिमेंटल किचन में चिप्स बनाने, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने लिए हैं 4 आलू, इन्हें मैंने छील कर धोकर और अच्छे से पोंछ लिया है। अब इन आलू को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेते हैं। तो बस आपको भी इसी तरह से ग्रेट करना है। दो आलू ग्रेट हो गए और इन्हें डाल देंगे पानी में। तो अब हम बाकी के दो आलू भी ग्रेट कर लेते हैं और इन्हें भी पानी में डाल देंगे। अब सभी आलू को 2-3 बार पानी में अच्छे से धो लेते हैं जिससे कि इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। तो बस ये धुल गए और इन्हें हम पोंछ लेते हैं जिससे इनमें मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि अगर यार आलू में मॉइस्चर रहेगा तो ना चिप्स चिप्स नहीं रहेंगे क्योंकि वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक साफ कपड़ा और ये आलू इसमें एक एक करके रख देंगे और कपड़े को डबल करके इन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे। तो यार ऐसे चिप्स ड्राई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने यहाँ पर चिप्स को थोड़ा थोड़ा फैला लिया है और कपड़ा डबल करके इन्हें अच्छे से पोंछ लिया है। देखो आलू तो सूख गए मस्त, अब हम इन्हें कर लेते हैं फ्राई, तभी तो ये पटेटो चिप्स बनेंगे। तो मैंने ना यार आलू काटने से पहले तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो बस गरम तेल में डालते हैं आलू और करते हैं फ्राई मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखोगे तो चिप्स जल जाएंगे और लो रखोगे तो कड़क हो जाएंगे क्रिस्प होने के बजाय। बीच बीच में आप भी चिप्स को पलटते रहना। तो देखते देखते चिप्स भी मस्त फ्राई हो गए और इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन्हें जल्दी से जाली पर या टिश्यू पेपर पर फैला लेना है। मैंने दूध को कवर करने वाली जाली ली है और नीचे प्लेट रख ली है। अब हम बचे हुए आलू भी फ्राई कर लेते हैं। प्रोसेस वही है, आगे पीछे पलटते हुए आपको फ्राई करना है।
तो यहाँ पर हमारे चिप्स भी फ्राई हो गए हैं और इन्हें निकाल कर जाली में फैला लेते हैं जल्दी से ताकि ये सॉफ्ट ना हो। ये हमारे गर्मा गर्म पटेटो चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और इन्हें अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो बस यार हमारे मस्त पटेटो चिप्स रेडी हैं, गर्मा गर्म खाओ और सबको खिलाओ। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आपकी चिप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगी, पहले ही बता दे रही हूँ, बाद में मुझे मत बोलना फिर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक तो बनता ही है।